हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट लेसन नंबर टू, ईटिंग फॉर लाइफ फूड। वी नीड फूड टू स्टे अलाइव। फूड एक्ट्स एज ए फ्यूल फॉर द बॉडी। फूड हमारी बॉडी में एक फ्यूल की जैसे काम करता है। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये हमारी बॉडी को वर्क करने, प्ले करने में हमारी हेल्प करता है। हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो। हमारी बॉडी में ग्रो करता है, बॉडी को ग्रो करता है। रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर भी करता है। एंड कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी। हम फूड से हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल सब्सटेंस दैट अवर बॉडी नीड्स इन ऑर्डर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को ग्रो और हेल्दी रखती हैं। वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स थ्रू द फूड वी ईट। हम ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम ये न्यूट्रिएंट्स उस फूड से प्राप्त करते हैं जो हम खाते हैं। देयर आर फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर एंड ग्रफेज। मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर एंड ग्रफेज। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन टू यू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड डू मैनी मोर थिंग्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें किसी भी काम को करने की एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, जंपिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। देन दिस एनर्जी वी गेट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रोइंग चिल्ड्रंस को स्पोर्ट्समैन, वो प्ले करता है, ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए, तो हमें मोर एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो उसको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने पड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट्स टू टाइप्स के होते हैं, शुगर एंड स्टार्च। शुगर इज क्विकली डाइजेस्टेड बाय अवर बॉडी। शुगर हमारी बॉडी में तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि स्टार्च टेक टाइम। स्टार्च को डाइजेस्ट होने में शुगर से ज्यादा टाइम लगता है। फ्रूट सच एज बनाना, ग्रेप्स एंड मैंगोज एंड रिच इन शुगर। ग्रेप्स, मैंगो में जो शुगर होता है वो कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है। राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो में स्टार्च होता है। ये स्टार्च रिच फूड है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। नेक्स्ट वो टॉपिक इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बिल्ड अवर बॉडी एंड हेल्प इट टू ग्रो। ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये हमारी बॉडी में मसल्स और हमारी बॉडी में ग्रोइंग में हेल्प करती हैं। यंगर चिल्ड्रन हैव ग्रोइंग बॉडीज सो दे नीड मोर प्रोटीन। यंगर चिल्ड्रन होते हैं, उनकी बॉडी ग्रोइंग बॉडी होती है, तो उनको ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत होती है। प्रोटीन ऑल्सो हेल्प टू हील वाउंड्स और डैमेज पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो किससे रिकवर होता है? प्रोटीन फूड से। इट इज फाउंड इन मिल्क, कर्ड, चीज, एग्स, नट्स। नेक्स्ट अवर पॉइंट इज फैट्स। फैट्स आर हाई, गिव हाई एनर्जी। फैट्स हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी हमें कौन देते हैं? फैट्स देते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ फैट्स आर बटर, घी, ऑयल, नट्स। दीज आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स। एंड कंज्यूमिंग टू मच फैट, इफ वी कंज्यूम टू मच फैट, अगर हम ज्यादा फैट कंज्यूम करते हैं, इट लेड्स इन अवर बॉडी सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो हमारी बॉडी में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो वी शुड कंज्यूम फैट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इसलिए हमें स्मॉल अमाउंट्स में फैट्स खाने चाहिए। अगर हम ज्यादा फैट्स खाएंगे तो हमारी बॉडी में फैट्स क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद ही हमारी बॉडी में ओबेसिटी बनाता है, मोटापा पैदा करता है। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन कीप अस हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज। विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता है, तो हमें विटामिन वाले फूड्स खाने चाहिए। मोस्टली विटामिन फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क। विटामिन ए फाउंड इन कैरेट, स्वीट पोटैटो। हाउ इट हेल्प्स अवर बॉडी? इट हेल्प्स अवर बॉडी, इट कीप्स अवर आईज एंड स्किन हेल्दी। ये हमारी आईज और स्किन को हेल्दी बनाता है। विटामिन बी, इट इज फाउंड इन मिल्क, एग, फिश,
made. It is needed for the growth and working the nerves and muscles. ये हमारी ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी का वर्कआउट नर्व्स और मसल्स को बनाता है. विटामिन सी इट इज फाउंड इन ग्रेप फ्रूट. खट्टे फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है. पपाया में, ऑरेंज में, लेमन में, कैबेज में. इट कीप द स्किन, बोन्स, टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ये हमारी बॉडी में स्किन, बोन्स, टीथ, गम्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है. नेक्स्ट वन इज विटामिन डी. आर बॉडी मेक विटामिन डी ऑन इट्स ओन व्हेन इट इज एक्सपोज टू सनलाइट. जब हम सनलाइट के सामने खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी अपने आप प्रोड्यूस होने लगता है, अपने आप जाने लगता है. एग्जाम्पल ऑफ विटामिन डी फिश, योग एग आर द एग्जाम्पल ऑफ विटामिन डी. एंड वन एग्जाम्पल इज गिवन इन फोर्टिफाइड मिल्क. ये वो मिल्क है जो नॉर्मल मिल्क से ज्यादा हेल्दी होता है, इसमें विटामिन की मात्रा ज्यादा होती है. नेक्स्ट अवर पॉइंट इज मिनरल्स. मिनरल्स हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. ये मिनरल्स हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं, हमें हेल्दी बनाते हैं. बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन. कैल्शियम मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. कैल्शियम हमारी बॉडी में बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है. आयरन इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन मीन्स ब्लड सेल्स. हमारी ब्लड सेल्स किससे कंप्लीट होती है? आयरन से. ये किसमें पाया जाता है? करी लीव्स, कोरिएंडर, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन पाया जाता है. आयोडीन इट इज ए नेम ऑफ द मिनरल. अवर बॉडी नीड्स टू स्टे हेल्दी बाय द आयरन, बट वी नीड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इट फॉर गुड हेल्थ. लेकिन इसकी हमारी बॉडी में एक्सेस मात्रा नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसको भी हमें स्मॉल अमाउंट में लेना चाहिए. नेक्स्ट इज अवर पॉइंट इज वॉटर एंड रफेज. वॉटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अवर बॉडी. वेन वी टेक वॉटर इन रेगुलर इंटरवल्स एवरी डे, टॉक्सिन्स आर पॉइजनस सब्सटेंस टेक आउट फ्रॉम द वॉटर. हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो रेगुलर वॉटर लेने से ही पास आउट होते हैं. किस रूप में पास आउट होते हैं? दे कम फ्रॉम अवर बॉडी इन स्वेट और यूरिन. यूरिन और स्वेट के रूप में बाहर निकलते हैं. नेक्स्ट और पॉइंट इज रफेज. रफेज इज ऑल्सो ए डाइटरी फाइबर्स. दे आर फाउंड इन व्हीट ब्रेड, ब्राउन राइस, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स. तो हमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज्यादा खाने चाहिए क्योंकि रफेज हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है. इट्स गुड फॉर अवर हेल्थ. ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज फूड ग्रुप्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स. एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड. एनर्जी गिविंग फूड, फूड दे गिव टू अस एनर्जी. दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड, प्रीवियसली आई टोल्ड यू कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड दे गिव, दे मेक अवर बॉडी एंड ग्रोथ इन अवर बॉडी. दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. ये हमारी बॉडी बनाते हैं इसलिए इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. दीज फूड आर रिच इन प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स के नाम से जाने जाते हैं. दे आर फाउंड इन मिल्क, पनीर, बीन्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट अवर टॉप अपॉइंट इज प्रोटेक्टिव फूड. फूड्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. प्रीवियसली आई टोल्ड यू कि डिजीज से हमें कौन बचाता है? देन विटामिन एंड मिनरल्स आर डिजीज प्रोटेक्टिव फूड है. एंड एग्जाम्पल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. हम ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएंगे तो हमारी बॉडी में डिजीज नहीं होंगे. थैंक यू.